3 या 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अयोध्या जा सकते हैं। जी हां, खबर आ रही है मंदिर निर्माण की, प्रधानमंत्री मोदी जो है आधारशिला रख सकते हैं। राम मंदिर निर्माण परिसर की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व सुरक्षा इंचार्ज के शर्मा जो है वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। राम जन्मभूमि परिसर के सुरक्षा के सलाहकार हैं के शर्मा और ये पहुंच चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का जायजा लिया है, राम मंदिर निर्माण कार्यशाला का भी जायजा लिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से इन्होंने मुलाकात भी की है। तो 2 तारीख सामने आ रही है जिसका काफी लंबे वक्त से कह सकते हैं इंतजार था। अयोध्या के लोगों को, अयोध्या के संतों को, संतों का यही कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जो है वो मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाए। तो अब 3 या 5 अगस्त को दौरा हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, आज जब के शर्मा जो है वो पहुंचे, उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर के का जायजा लिया एक तरीके से, क्या पाया, क्या लगता है 3 और 5 ये 2 डेट सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, तो राम मंदिर निर्माण को लेकर जो संभावनाएं हैं कहीं ना कहीं अब 3 या 5 तारीख को लगभग पीएम मोदी अयोध्या आएंगे। इसको लेकर सुरक्षा, जो पूरी सुरक्षा बंदोबस्त किए जाने हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए जाने हैं, उसको लेकर परिसर के अंदर जो है लगभग 1 घंटे से अधिक का समय उन्होंने पूरे परिसर को देखा है। इसके बाद किस प्रकार सुरक्षाएं लगाई जाएंगी पीएम के दौरान, तो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या आना है तो कहीं ना कहीं विशेष सुरक्षाएं लगाई जाएंगी। इसको लेकर ये जो के शर्मा जो है आज पूरे परिसर का सुरक्षा का जायजा लिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी मुलाकात की है, उसके साथ ही जो मंदिर निर्माण कार्यशाला है, जो पत्थर जहां तराशे गए उन पत्थरों को भी देखा है। लेकिन जिस प्रकार से बात मानी जा रही है कि जो आने वाले समय में पीएम मोदी अयोध्या होंगे, कहीं ना कहीं सुरक्षा का पूरी तरह ये जायजा है जिससे कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है जो सुरक्षा का घेरा है उसे बंदोबस्त किया जा सके, इसकी जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। सत्य प्रकाश, कार्यशाला का भी जायजा लिया है के शर्मा ने, तैयारियां क्या लगता है जब पहुंचे और उन्होंने ये सब कुछ देखा, संतुष्ट नजर आए कोई इन्फॉर्मेशन अंदर खाने से? क्योंकि पहले मुख्यमंत्री का दौरा भी हो चुका है, उन्होंने भी इसी तरीके से निरीक्षण किया था, वो भी कार्यशाला पहुंचे थे, उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी और उसके बाद अब के शर्मा पहुंचे हैं, तो क्या संतुष्ट नजर आए? जी, जन्मभूमि परिसर है, यहाँ पर पहले से ही जो है केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो सुरक्षा एजेंसियां हैं यहाँ पर पहले भी एजेंसियां लगाई जा चुकी हैं और पूर्व में जब विवाद चल रहा था उसके पहले भी यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा घेरा है। तो उसको लेकर वो साफ संतुष्ट नजर आए हैं कि जो सुरक्षा का घेरा वो पर्याप्त मात्रा में है। बस पीएम मोदी के जो आने की जो को लेकर जो सुरक्षा घेरा होता है उसकी तैयारियां किए जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सीआरपीएफ पीएससी व पुलिस के जवान तैनात है उसको, और अभी और भी कुछ जो रूट हो गए, जो रास्ते होंगे, जिन रास्तों से उनको अंदर प्रवेश किया जा रहा होगा, उन सभी रास्तों पर किस प्रकार की सुरक्षा तैनात की जाए इसका पूरा जायजा लिया है। और जो परिसर की सुरक्षा है वो काफी पर्याप्त, उन्होंने वो संतुष्ट नजर आए हैं। इसको लेकर ये साफ उन्होंने ट्रस्ट के लोगों से जो बात की है इससे साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की जो बात की जा रही है, जो अंदर की सुरक्षा है कहीं ना कहीं पर्याप्त है, बस कुछ विशेषताएं, कुछ और जगह जो बढ़ाई जानी है उनको लेकर चर्चा की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।